इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। टाइम जो है वो खींचता जा रहा है और अभी चरणजीत सिंह चन्नी जैसे ही यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि तमाम जो बाकी नेता हैं, चाहे वो नवजोत सिंह सिद्धू हो, प्रगट सिंह हो, प्रगट सिंह के साथ कुलजीत नागरा थे और जो हरीश चौधरी हैं, वो यहाँ पर इस वक्त पहुंच चुके हैं और इंतजार इस वक्त सिर्फ मुख्यमंत्री का हो रहा है। और उससे पहले, क्योंकि जिस तरह से पंजाब के अंदर तमाम जो नेता हैं वो भी काफी खुश नहीं है, नवजोत सिंह सिद्धू ने जो ये इस्तीफा दिया उससे खुश नहीं है। सबका ये कहना है कि संगठन बड़ा होता है, आदमी बड़ा नहीं होता, और संगठन ने जो फैसला किया है सबको उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू के नाम भले ही ना ले रहे हो, लेकिन दबी जुबान में सब नवजोत सिंह सिद्धू के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले जो पंजाब के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे सुनील जाखड़, उन्होंने भी ट्वीट किया, बकायदा उन्होंने भी यही बात कही, और क्योंकि अगर उन्होंने अधिकारियों की नियुक्ति किया तो सीधा सीधा ये सीएम को की जो नियुक्तियां उनको चैलेंज करने के बराबर है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये तमाम जिस तरह के जो विरोधाभास जो है वो अब समय पंजाब के विधायकों के अंदर भी देखने को मिल रहा है और नेताओं के अंदर भी देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, सिर्फ सुनील जाखड़ नहीं, कांग्रेस के कई बड़े लीडर, कपिल सिब्बल हो या फिर पूर्व नेता हो नटवर सिंह, सबने नवजोत सिंह सिद्धू के जो इस फैसले के बाद काफी उनकी किरकिरी हुई है, नाराजगी जाहिर की है कांग्रेस के रवैये को लेकर। और क्या ये माना जाए कि इस बात का रियलाइजेशन सिद्धू को हो रहा है और इसीलिए आज उनके तेवर नरम पड़े, और किस हद तक चन्नी फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, क्योंकि अधिकारियों का जो नाम है वो फाइनलाइज तो केंद्र से किया जाएगा, अगर सिद्धू का मनपसंद नाम फाइनल नहीं होता है क्या वो मान जाएंगे, क्या रूठे सिद्धू को आज चन्नी कन्विंस कर पाएंगे किसी भी हद तक? देखिए, ये जो बैठक हो रही है, अब क्योंकि सिद्धू जो है वो नरम पड़े हैं और उधर चन्नी भी थोड़ा जो है उन्होंने भी अपने जो तेवर हैं वो भी थोड़े नरमाई दिखाई है, इसी वजह से ये बैठक जो है वो हो रही है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि आज जो फैसला है वो हो जाएगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से पंजाब के अंदर जो कांग्रेस की स्थिति बनी हुई थी, किरकिरी जो थी, अगर हम कहें यहाँ पर, तो कांग्रेस की काफ़ी किरकिरी हो रही थी, जनता के अंदर मैसेज गलत जा रहा था, चुनाव में ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, जो विधायक हैं वो भी लगातार इस बात का विरोध कर रहे थे कि संगठन के बाहर जाकर इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, अगर सिद्धू को कोई दिक्कत थी तो वो संगठन में जाकर अपनी बात रख सकते थे, आलाकमान से बात कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये ना किया बल्कि सीधा इस्तीफा दे दिया, जिससे मैसेज जो है वो गलत गया है, विरोधियों को मौका मिला है। ये तमाम जो बातें हैं ये विधायक कह रहे हैं। और लगातार अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जिस दिन नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दिया तो महज जो 5 विधायक और 3 कैबिनेट मंत्री ही उनको मनाने के लिए पहुंचे थे, और सिर्फ यही लोग थे जो नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने के लिए पहुंचे। हालांकि उसके बाद चाहे वो, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो कैबिनेट मंत्री है प्रकट सिंह, उनके दोस्त हैं, वो उनके घर पर लगातार वो उनसे बातचीत करने के लिए पहुंचे थे। कुलजीत नागरा जो है वो तब से उनके घर पर मौजूद हैं, उनके से लगातार बातचीत चल रही है। और अगर हम बात करें यहाँ पर, तो राजा वड़िंग, जो अमरिंदर राजा वड़िंग हैं, कैबिनेट मंत्री बने हैं, वो भी लगातार सिद्धू के घर पर मौजूद थे। तो ये तमाम जो लोग थे, रजत सुल्ताना उनके हक में पहले ही रिजाइन दे चुकी हैं, और आज सुबह मोहम्मद मुस्तफा ने जिस तरह से बात कही कि आज कोई ना कोई फैसला हल जरूर निकलेगा, वो उनके घर पहुंचते हैं। बिल्कुल, तो इसीलिए पंजाब भवन पर सबकी नजर टिकी हुई है कि सिद्धू भी समझ चुके हैं कि अब उन्हें वो भाव नहीं मिल रहा है जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे, ऐसे में वो और किस हद तक कन्विंस होते हैं या फिर अब नरम पड़ते हैं, और इस मुलाकात से क्या सार निकल पाता है। बहरहाल, दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ चन्नी और सिद्धू के मुलाकात की, पंजाब भवन के बाहर की तस्वीर जो कुछ देर में होगी, और चंडीगढ़ में तो ये हलचल मची हुई है, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो 2 दिन से दिल्ली में थे। दिल्ली में काफी उन्होंने एक्टिवली यहां पर अलग अलग इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, ना सिर्फ गृहमंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की, बल्कि एनएसए अजीत डोवल से भी आज मुलाकात कर चौंका दिया, और इसके बाद एनएसए की जो मुलाकात गृहमंत्री से हुई उसके बाद ये समझा जाने लगा कि आखिर कैप्टन अमरिंदर सिंह का अगला कदम क्या होगा। अमरिंदर सिंह ने यह भी साफ कर दिया है कि वो चंडीगढ़ जा रहे हैं, कांग्रेस छोड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी का दामन अभी नहीं थामेंगे। बहरहाल, चंडीगढ़ में सबकी नजरें भी टिकी हुई हैं, क्योंकि ये तस्वीर फिलहाल इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट से लाइव, ये आपको बता दें कैप्टन अमरिंदर सिंह को आप देख सकते हैं जो अपनी गाड़ी से निकल रहे हैं और चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे। इससे पहले वो अपने घर से, दिल्ली में जो आवास है उनकी पत्नी का, वहां से निकले और हमारी संवाददाता से भी बातचीत में क्या कुछ कहा ये आपको सुनवा रहे सर। क्या फाइनलाइज हो चुका है सर? क्या दूसरी पार्टी बना रहे हैं सर? नई पार्टी बना रहे हैं? यार आगे से, कैप्टन सर हटिए, आगे से हटिए,
Sir, just one statement, sir. That's all we want, sir. एक तरफ दिल्ली एयरपोर्ट से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां कैप्टन पहुंच चुके हैं और वो चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे। दूसरी तरफ पंजाब भवन की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी पहुंच चुके हैं। चरणजीत सिंह चन्नी का इंतजार किया जा रहा था क्योंकि यहां पे प्रदेश कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता थे वो तो पहुंच चुके हैं और इंतजार चन्नी का ही किया जा रहा था जिसके बाद ये मुलाकात शुरू होगी। तो दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक पंजाब कांग्रेस क्राइसिस में हलचल काफी ज्यादा तेज है, लगातार हमारी नजर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।